हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे, और स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, और लास्ट तक बने रहिए मेरे इस वीडियो में, तभी आप सबको पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो फिर यहाँ फ्रेंड्स, मैंने चना दाल भिगो के 2-3 घंटे के लिए रखा था। मैं 1 कप चना दाल भिगो थी, और इसको मैं अच्छे वो करके ले ली हूँ, और इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ धोने के बाद। और यहाँ मैं एक मिक्सी का जार ले ली हूँ, उसमें चना दाल डाल दे रही हूँ, और इसके बाद डालूँगी मिर्चा। मैं एक ही मिर्चा डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ तीखा कोई ज़्यादा नहीं खाता है, इसलिए मैं थोड़ा ही मिर्चा डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्चा डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा मैं अदरक डाली हूँ, और यहाँ मैं इसको पीस करके अच्छे से, यहाँ देखिए इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ, और ये देखिए एकदम अच्छे से पीस गया है, मतलब पता ही नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा मैंने इसमें 2-3 चम्मच पानी भी डाला था, क्योंकि मेरे पास दही नहीं थी, तो इसलिए मैं पानी डाली थी। आप लोग, जैसे आपके पास दही हो तो आप दही डाल सकते हैं, या फिर मक्खन। इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ, और इसी मिक्सी के जार में मैं वापस से ग्रेवी के लिए चटनी पीस लूँगी, जो टमाटर है, और थोड़ा सा मैं चना का दाल निकाल के रखी थी तो वो मैं डाल दे रही हूँ, लगभग 1 चम्मच था। मिर्चा है, और थोड़ा सा मूंगफली है, इसको भी मैं पीस ले रही हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा टमाटर की प्यूरी बन के तैयार है। और यहाँ मैं एक भगोना ले रही हूँ, जो मतलब बाट वाला हो बगल बगल, और इसमें मैं लगभग 2-2.5 गिलास पानी डाल दे रही हूँ। और पानी डालने के बाद एक कॉटन का कपड़ा लेना है, वाइट कलर का कपड़ा लेना है, उसको अच्छे से इसमें बांध देना है कस करके, कि मतलब ढीला ना रहे, कि जैसे इसमें बटर डालेंगे ना तो फिर ढीला हो जाएगा, अच्छे से नहीं होगा, बीच में ज़्यादा मोटा हो जाएगा और बगल बगल पतला रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से एकदम टाइट बांधना है। और यहाँ मैं इसको बांध दी हूँ, बांध करके मैं इसको रख दे रही हूँ गैस पे गर्म होने के लिए। और यहाँ मैं जो चना दाल पेस्ट बनाई थी, उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला और घी, रिफाइंड ऑयल या सरसों कोई भी आप डाल सकते हैं वो, और नमक थोड़ा सा डाल करके, और थोड़ा सा इसमें मैं दही नहीं डाली थी तो मैं मक्खन इसमें डाल दे रही हूँ, मलाई डाल दे रही हूँ, वो डाल करके अच्छे से इसको मिला लेना है। करीब मैं 2 चम्मच मलाई डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और तेल जरूर ही डालें, क्योंकि तेल डालने से ना जो ये अच्छे से फूलेगा, नहीं तो फूलेगा नहीं। तेल याद से ही डालें, क्योंकि मैं तो भूल गई थी इसमें तेल डाल, फिर मुझे बाद में जब ध्यान आया कि मैं तो इसमें तेल डाली ही नहीं, तो मैं बाद में इसमें तेल डाली, जस्ट बनाने से पहले मुझे याद आ गया कि मैं तेल नहीं डाली हूँ, तो मैं इसमें तेल डाली। और इसको अच्छे से फेंट लेना है, लगभग 2 मिनट तक मैं इसको फेंट ली हूँ। और यहाँ देखिए मेरा पानी भी गर्म हो गया है, उसमें कपड़े के ऊपर से भाप भी निकल रहा है, और इसमें अच्छे से इसको फैला देना है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बन रहा है भाई, डोसा बन रहा है या क्या बन रहा है, क्या बनेगा? तो यहाँ पे डोसा नहीं बन रहा है ना, तो और कुछ बन रहा है। यहाँ मैं इसका चने दाल का पनीर जा रही हूँ बनाने, और अच्छे से इसको फैला देना है इस पर। आप चने दाल की पनीर कहें, या गट्टे की सब्जी कहें, या ढोकले की सब्जी कहें, कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से फैला दे रही हूँ। फैलाने के बाद इसको 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मतलब इसको ढक देना है, जब तक ये एकदम टाइट ना हो जाए। आप चाकू डाल के या फिर कुछ कोई स्टिक डाल करके देखें, तो जब तक मतलब उसमें लगे ना, तब आप मान लीजिए कि ये पक गया, तब तक इसको पकाना है। क्योंकि मैं इसमें पानी डाली थी तो मेरा थोड़ा सा कुकिंग का टाइम बढ़ गया, क्योंकि अगर इसमें दही डाल के मैं इसको, इस जो चना दाल था ना पीसी होती, तो अच्छे से मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मेरे पास दही नहीं थी तो मैं इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डाल के पीसी हूँ, तो मुझे पकाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है।
तो यहाँ देखिए मैं इसमें एक स्टिक डाल रही हूँ तो एकदम स्टिक मेरी साफ निकल रही है, यानी मेरा जो बैटर है एकदम से पक गया है। तो इसको मैं अलग निकाल ले रही हूँ और इसके ऊपर अब रख रही हूँ कढ़ाई। तो यहाँ मैं कढ़ाई रख दी हूँ गर्म होने के लिए, मेरा तो कढ़ाई गर्म हो गई है। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 2-3 चम्मच लगभग तेल, और तेल डालने के बाद यहाँ मैं पंचफोड़न डाल रही हूँ। पंचफोड़न डालने के बाद मैं लहसुन प्याज नहीं डालूंगी, बिना लहसुन प्याज के ही मैं इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ, और एकदम एकदम मसालेदार ग्रेवी वाली सब्जी बन के मेरी तैयार होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ जो मैं टमाटर और मूंगफली की प्यूरी बना के रखी थी वो मैं डाल दे रही हूँ। पंचफोड़न डालने के जस्ट बाद मैं इसको डालूंगी। लहसुन प्याज मैं नहीं डाली हूँ इसमें, फिर भी देखिए मेरा जो वो बनेगा प्यूरी बनेगी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। यहाँ इसको अच्छे से पका लेना है क्योंकि थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर है ना, पानी जैसा दिख रहा है, तो जब ये एकदम अच्छे से पक जाएगा ना तो तेल अलग हो जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। अभी थोड़ा हल्का हल्का चिपक रहा है कढ़ाई में। और इसके बाद थोड़ा सा मैं गरम मसाला और अमचूर पाउडर, लगभग 1 चम्मच हल्दी, नमक, और थोड़ा मैं इसमें 2 चम्मच के लगभग मलाई इसमें भी डाल दे रही हूँ। और मलाई डालने के बाद लगातार 1 मिनट के लिए पकाना है इसको, चलाते हुए छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये ना मलाई जो है फट जाएगी। और यहाँ देखिए मेरा जो मसाला है वो अच्छे से पक गया है। तो इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच के लगभग पानी डालना है, और पानी डाल करके हल्के से चला करके इसको मुश्किल से 1 मिनट के लिए ढक देना है। तब तक ये मेरी जो मैं बनाई हूँ पनीर चने दाल की, ये भी मेरी ठंडी हो गई है। और इसको मैं पनीर की आकृति में काट लेती हूँ। और ये देखिए मेरी जो पनीर है, ढोकला है, जो भी आप कहें, एकदम फूल करके ढेर सारा, मतलब एकदम अच्छा बन गया है, जैसे एकदम पनीर ही हो। आप चाहें तो इसमें हल्दी डालें या ना डालें, मैं तो हल्दी डाली थी कि ये येलो कलर अच्छे से दिखे। और यहाँ देखिए मेरी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक गई है। बगल बगल जो मेरा तेल मैं डाली थी वो तेल छोड़ने लगी है मसाला। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, ग्रेवी बहुत गाढ़ी है तो इसमें थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ। पानी डालने पे क्या होगा, थोड़ा जो ग्रेवी बहुत गाढ़ी है ना तो वो थोड़ा पतली हो जाएगी। और इसमें नमक डालना है क्योंकि मैं नमक शायद भूल नहीं डाली थी, तो मैं लास्ट में नमक इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो मैं दही डाली थी इसमें, दही नमक डालने में तुरंत फट जाती है, इसलिए मैं लास्ट में जब पानी डालने के बाद इसमें नमक डालूंगी। और इसको लगभग 2 मिनट के लिए पका ले रही हूँ। और ये मसाला मेरा पक गया है। और इसमें मैं पनीर जो चना दाल की बनाई थी उसको डालने के बाद 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, और 1 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो यहाँ मैं इसको 1 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी चना दाल पनीर एकदम बन के परफेक्ट तैयार हुई है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ। धनिया पत्ती डालने के बाद इसको अब मैं गैस को कर दे रही हूँ बंद। और ये देखिए मेरी पनीर एकदम बढ़िया, जैसे लग ही नहीं रही है कि मैं चने की दाल की पनीर बनाई हूँ। यहाँ देखिए मैं काट के भी दिखा दे रही हूँ कि एकदम कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम बन के तैयार हुई है मेरी चना दाल की पनीर। देखने में मतलब कोई भी नहीं बता पाएगा कि पनीर है कि चना की दाल की पनीर है। तो यहाँ मैं दूसरे एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। और ये देखिए लग रही है ना एकदम पनीर वाली सब्जी। अब आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, पनीर, ढोकला, जो भी आप, गट्टे की सब्जी। तो प्लीज़ आप लोग, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।